हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग नेपाल से हो और आप लोग सऊदी में हो तो आईएमई पे कैसे यूज करेंगे, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हम जब भी नई नई वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईएमई पे प्ले स्टोर से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, तो दोस्तों मैंने डाउनलोड कर लिया है। चलिए मैं यहाँ पर से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर गेट स्टार्ट में क्लिक कर देंगे। गेट स्टार्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर से अपना नेपाल का मोबाइल नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर क्लिक करके अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग आईएमई पे का अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप लोग को नेपाल के मोबाइल नंबर से आईएमई पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, दूसरे कंट्री का मोबाइल नंबर से आईएमई पे में अकाउंट नहीं बनेगा। अगर आप लोग अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप लोग अपने घर के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर डाल के सऊदी में अकाउंट बना सकते हो। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर से कंट्री सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मैंने कंट्री सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहां पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूं। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों अब यहां पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहां पर पासवर्ड मांगा है। दोस्तों, अगर आप लोग पहले से अकाउंट बनाया होगा तो आप लोग को यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, और आप लोग अकाउंट पहले से नहीं बनाया है तो यहाँ पर आपको अलग से फीचर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर से पासवर्ड अपना डाल देता हूँ। पासपोर्ट डालने के बाद दोस्तों अब यहां पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं सऊदी में मैं अपना आईएमई पे वॉलेट अकाउंट ओपन कर लिया हूं। अब दोस्तों सऊदी में आप लोग आईएमई पे का कौन कौन सा फीचर यूज कर सकेंगे, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एड मनी, रिसीव रिमिट, बैंक ट्रांसफ़र। दोस्तों यहां पर एड मनी में क्लिक करके आप लोग अलग अलग तरीके से यहां पर से पैसा लोड कर सकेंगे, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पैसा यहां पर से लोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं रिसीव रिमिट। दोस्तों रिसीव रिमिट में क्लिक करके सऊदी में भी नेपाल के जैसे ही आप लोग यहाँ पर पैसा रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि सऊदी, कतार, दुबई, ओमान, बहरीन से भेजा हुआ पैसा यहां से रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पर कंट्री दिया है, सिंपली कंट्री में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप दोस्तों यहां पर से कौन सा कंट्री से पैसा भेजा हुआ है वो कंट्री यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल नंबर डाल देंगे, उसके बाद कितना पैसा है इंटर करके यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो आपका पैसा रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अब बैंक ट्रांसफ़र। दोस्तों बैंक ट्रांसफ़र में क्लिक करके आप लोग किसी भी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर बैंक दिया हुआ है, यहां पर क्लिक करके आप लोग यहां पर कोई भी बैंक सेलेक्ट करके किसी भी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल। मोबाइल में क्लिक करके दोस्तों नेपाल के किसी भी नंबर में मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं लैंडलाइन। लैंडलाइन में क्लिक करके दोस्तों किसी भी लैंडलाइन कंपनी का बिल पे कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं डाटा पैकेज। दोस्तों डाटा पैकेज में क्लिक करके आप लोग नेपाल के किसी भी नंबर में डाटा पैकेज ले सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में क्लिक करके दोस्तों नेपाल के किसी भी इलेक्ट्रिक ऑफिस में पैसा पे कर सकते हैं, जैसे नेपाल से पे करते थे वैसे ठीक सऊदी से भी या किसी भी कंट्री से इलेक्ट्रिक ऑफिस में पैसा पे कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं वाटर। वाटर में क्लिक करके दोस्तों आप लोग यहां पर से पैसा पे कर सकते हो। और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं टीवी। टीवी में क्लिक करके दोस्तों नेपाल के जितने भी टीवी है यहां पर से सेलेक्ट करके नेपाल के कोई भी टीवी में जैसे नेपाल से पे करते थे ठीक वैसे ही आउट ऑफ नेपाल से भी आप लोग नेपाल के टीवी में पैसा पे कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इंटरनेट। इंटरनेट में क्लिक करके दोस्तों नेपाल के किसी भी वाईफाई कंपनी का बिल यहां पर से पे कर सकते हो। और दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों एयरलाइंस। दोस्तों एयरलाइंस में क्लिक करके आप लोग इंटरनेशनल फ्लाइट का टिकट यहां पर से बुक कर सकते हो, जैसे नेपाल में करते थे ठीक वैसे ही आउट ऑफ नेपाल से भी कर सकते हो आप लोग। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मूवी। दोस्तों यहाँ पर केबल कार के भी
टिकट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे नेपाल में IMEI Pay के सारा फ्यूचर यूज करते थे, वैसे ही ठीक आउट ऑफ कंट्री से भी IMEI Pay का सारा फ्यूचर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए।